अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी, आप देख रहे हैं एशियन किंग टेक। और इस वीडियो में हमारे पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं यूज़ में, टेक्नो पावर न्यू और इन्फिनिक्स हॉट 10S। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नो पावर न्यू की, और इसका एक ही वेरिएंट आया है जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है, और इसमें आपको मीडियाटेक का G25 का चिपसेट मिलता है। तो ये नॉर्मल गेमिंग और मल्टीमीडिया यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत दिया गया है और ये मैट फिनिश में आता है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी शो नहीं होते। 6000 mAh की इसमें बड़ी बैटरी लगाई गई है, फिर भी ये आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, और ये 18W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैक पर डुअल कैमरा है जिसमें 13MP का मेन सेंसर है, और सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8MP का मिलता है। डिस्प्ले भी इसमें काफ़ी बड़ा दिया गया है, 6.8 inches का 720p रेजोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर कोई हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया, लेकिन ये 120Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। और अब इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन्स में जो ब्लॉटवेयर है वो भी काफ़ी कम होता जा रहा है। इसके अलावा बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, और आप इसमें डुअल सिम और एक SD कार्ड सेम टाइम पे यूज़ कर पाओगे। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फ़ीचर्स को, तो यहाँ पर आपको स्लोमो, वीडियो, पोर्ट्रेट और सभी बेसिक फ़ीचर्स मिल जाते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें मैक्सिमम 1080 तक कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और यहाँ पर वीडियो बोके मोड और वीडियो ब्यूटी मोड की ऑप्शन नहीं दी गई है। और इसके फ्रंट कैमरा की भी जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है, और फ्रंट पर आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। और अब अगर बात की जाए इसकी प्राइस और बाकी चीज़ों की, तो अभी आपको 10x10 कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 26,000 का मिलेगा, और इसकी जो वारंटी है वो 3 से 4 महीने बाकी है अभी। तो कैमरा भी इसमें आपको काफ़ी बेहतर मिल रहा है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से, और डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, और बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है, तो मल्टीमीडिया यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, और आप इसमें नॉर्मल गेमिंग भी कर पाओगे। और अब बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10S की। डिस्प्ले इसमें आपको 6.8 इंचेस का मिल रहा है, और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन के साथ, और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। 6GB रैम है और 128GB की स्टोरेज दी गई है। डिवाइस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी भी मिलती है, लेकिन फिर भी आपको इस डिवाइस में वेट ज़्यादा फील नहीं होगा। बैक पे ट्रिपल कैमरा है जिसमें 48MP का मेन सेंसर है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8MP का दिया गया है, और मीडियाटेक हेलियो G85 का आपको इसमें काफ़ी पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिलता है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसकी बैक साइड पे दिया गया है, और आप इसमें डुअल सिम और एक SD कार्ड सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, और ये फ़ोन ज़्यादा ग्लोसी बैक के साथ नहीं आता है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी शो नहीं होते। तो ये थे इसके कुछ मेन एक्सपेक्ट्स। अब बारी है इसकी कैमरा ऐप को ओपन करने की, और यहाँ पर आपको AI कैम, ब्यूटी, बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट और स्लोमो वगैरह की ऑप्शन मिलती है, और ऊपर की साइड पे 48MP के लिए अलग से मोड भी दिया गया है। और आप जब इसे ऑन करेंगे जब ही 48MP पे इमेजेस क्लिक करेगा, वरना ये 12MP पे ही काम करता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें मैक्सिमम 2K तक कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो बोके इफेक्ट और वीडियो ब्यूटी मोड की ऑप्शन भी दी गई है। और प्राइसिंग के हवाले से अभी आपको 10x10 कंडीशन में कम्प्लीट सामान के साथ 29,000 का मिलेगा, और इसकी वारंटी अब ख़त्म हो चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।